अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान आईसीसी पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड ने कहा कि ओरॉप पर प्रधानमंत्री जनता और सैनिकों को बरगला रहे हैं। अग्निवीर योजना का अभी तक कोई भी लाभार्थी नहीं है। यह योजना देश और युवाओं के हित में नहीं है। कर्नल रोहित चौधरी सेवानिवृत्त ने इस दौरान पीएम मोदी पर अग्निवीर योजना के जरिए पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही जय जवान मुहिम के तहत युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को निरस्त करके सैनिकों की नियमित आधार पर भर्ती करने की बात कही। ये है हमारे मोदी जी का वन रैंक वन पेंशन पे झूठ का ग्राफ, जो 2014 में 5300 करोड़ से चला था और 1000% की ग्रोथ रेट से ये 6 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में 70,000 करोड़ हो गया, 2 महीने पहले रेवाड़ी में कहा 1,00,000 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का दे दिया है और 2 दिन पहले, मात्र 2 महीने बाद 2 दिन पहले मंडी में 25 मई को उन्होंने कहा 1,25,00,000 करोड़ रुपया दे दिया है। तो इनकी झूठी वाणी आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने देश के लोगों को बरगला रहे हैं, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और देश की सुरक्षा को बरगला रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से झूठा है। सरहदों पर जाकर सियाचिन में, कारगिल में, दराज में सैनिकों के साथ होली दिवाली मनाते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो उनकी कभी डिसेबिलिटी पेंशन को बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ा, देश के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अग्निपथ योजना जिसका एक भी लाभार्थी नहीं है, जिसका एक भी बेनिफिशियरी नहीं है, ये आनन फानन में 2022 14 जून 2022 को इन्होंने लागू किया, देश की सुरक्षा के हित में नहीं है, देश के सैनिकों के हित में नहीं है, देश की सेना के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। मात्र 4 साल का सैनिक, अनट्रेन्ड सोल्जर, क्या वो देश की रक्षा कर पाएगा, सरहद की रक्षा पर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन्होंने तरतीब वार देश की सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है। ये है मोदी साहब का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेम, झूठा सेना का प्रेम और झूठा सैनिकों के साथ प्रेम। मोदी जी पूरी तरह से इस स्कीम के ऊपर घिर चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं जा रहे हैं वहां पर युवा, पूर्व सैनिक, सभी राजनीतिक दल सब पूछ रहे हैं कि एक लाभार्थी तो दिखा दीजिए, एक बेनिफिशियरी तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई बेनिफिशियरी नहीं है। आपने 4 साल मात्र इसलिए किया क्योंकि आप अपने देश के जो पूंजीपति है, साथी है अपने अडानी और अंबानी, जो पहले से सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, आपने इस इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको इंटरव्यू की कॉपी दूंगा, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि इन युवाओं को 4 साल सेना में काम करने के बाद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 10% आरक्षण दे देंगे और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 2 साल हो गए, एक भी नोटिफिकेशन नहीं है। ये 4 साल के बाद वो जो वापस आएंगे, रिटायर होकर आएंगे, 18 साल की उम्र में भर्ती होंगे, 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद वो कहां जाएंगे? उनका भविष्य अंधकार में है। आप कहते हैं 10% रिजर्वेशन, कहां रिजर्वेशन है? कोई नोटिफिकेशन दिखाइए। फील्ड है हमारे पूर्व सैनिक, उनके लिए 7,82,000 पद आज भी खाली हैं। क्यों नहीं भरे? क्यों हमारे पूर्व सैनिकों को इंडस्ट्रीज के
चौखटों पे इंडस्ट्रीज के सामने सिक्योरिटी का काम करना पड़ रहा है। यही काम ये अपने अग्निवीर से रिटायर हुए जवानों के साथ करेंगे। शाह साहब ने भी और राजनाथ जी ने भी, दोनों ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इन लोगों को बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस इन लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सरकार के खर्चे पे ट्रेन हो जाएंगे और 4 साल के बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के अंदर इनको ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये डिजाइन है, पहले देश की सुरक्षा को कमजोर करना, सैनिकों को कमजोर करना, सेना को कमजोर करना। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अग्निपथ स्कीम आने से पहले, उनमें से कुछ बच्चे ये हैं, 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जो 2019 से लेके और 22 के दौरान 60 लाख लोगों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे थे और ये गुहार लगा रहे थे कि हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए। कोरोना के नाम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से इसका कहा गया कि डिले हो रहा है, लेकिन अचानक मंशा कुछ और थी, अचानक अग्निपथ आता है और इनको रातों रात एक तुगलकी फरमान द्वारा, मोदी जी ने चमड़े के सिक्के जो चलाए उसके फरमान द्वारा इनको बेरोजगार कर दिया जाता है। 1.5 लाख बच्चे हैं, 60 लाख में से चुने गए, और आपको जानकर खुशी होगी कि इन बच्चों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपना दिल जोड़ा। हम लोगों ने 1 साल से इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जय जवान कैंपेन हमने जनवरी में चलाई, जनवरी से लेकर आज तक चला रहे हैं। इस जय जवान कैंपेन का मुख्य मकसद कि इन 1.5 लाख युवाओं को, बची रुकी हुई जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको पूरा किया जाए, और अग्निपथ योजना को हमने फैसला किया कि इसको खत्म करेंगे, क्योंकि देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए सही नहीं है। और जितने अग्निवीर हैं जो पहले से भर्ती हो चुके हैं उन सभी को हम रेगुलर करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया जय जवान कैंपेन चलाने के वक्त। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इतना कॉन्सेंट्रेशन है एक्स सर्विसमैन का, जो सेना में जाना चाहते हैं, जो तैयारियां कर रहे थे, आपको जानकर हैरानी होगी, हमने RTI लगाई कि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे थे स्टेडियम के अंदर सुबह से लेकर और शाम तक तैयारी करते थे, 2022-23 के अंदर जब ये योजना आई तो 2022-23 के अंदर 34 लाख बच्चों ने 40,000 वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया, लेकिन 2023 और 24 के अंदर ये आंकड़े घटकर सिर्फ 11 लाख रह गए। तो 24 लाख बच्चे कम हो गए, और उससे पहले 60 लाख थे, 60 लाख से 34 लाख हुए, 34 लाख से 11 लाख। तो अगर हमारे एक यूनिट में लड़ते हुए दो जवान शहीद हो जाते हैं तो शहीद होने पर भी आपने उनकी शहादत में भी भेदभाव कर दिया। एक शहीद अग्निवीर और एक शहीद रेगुलर सैनिक, इन दोनों की शहादत में भेदभाव कर दिया आपने। अग्निवीर को रेगुलर सैनिक के माफिक, रेगुलर सैनिक को शहादत पे 15 साल तक लगातार पूरी सैलरी उसके परिवार को मिलेगी, उसके बाद 15 साल के बाद पेंशन मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के तमाम बेनिफिट मिलेंगे, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए ताउम्र मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं मिलेंगी, स्कॉलरशिप मिलेंगे और तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अग्निवीर को शहीद होने पर इन सब चीजों से महरूम रखा जाएगा। तो क्या आप अपने देश के शहीदों के साथ ये भेदभाव मंजूर करेंगे? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र के अंदर फैसला किया है कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा, अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, ताकि हमारे हिमाचल के बच्चे फिर दोबारा से भविष्य उनका बन पाए और वो वापस
देश की सेनाओं में भर्ती हो सके और देश की सरहदों की रक्षा कर सके और देश के लिए मरने मिटने के लिए कुर्बान होने वाले हिमाचल के वीर भूमि से आने वाले बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। तो ये